भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले वनडे मैच को भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 विकेटों से अपने नाम कर लिया। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और पूरी अफ्रीकी टीम महज 116 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया ने इस लक्ष्य को 8 विकेट रहते अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके। अर्शदीप सिंह का यह वनडे क्रिकेट में पहला 5 विकेट हॉल था। अर्शदीप सिंह ने 10 ओवर में 37 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। अर्शदीप ने शुरुआती झटके देकर भारतीय टीम की जीत की नींव रखी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों का जलवा देखने को मिला। लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले तेज गेंदबाज आवेश खान ने पहले वनडे में गजब की गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट हासिल किए। आवेश ने 8 ओवर फेंके जिसमें उन्होंने 3 ओवर मेडन भी डाले और अफ्रीकी बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। वनडे क्रिकेट में अपना पहला मुकाबला खेलने उतरे युवा सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी में अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए डेब्यू मैच में ही अर्धशतक जड़ दिया और नाबाद रहते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाई। साई सुदर्शन ने 43 गेंदों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 55 रन बनाए जिसमें 9 चौके शामिल थे। टीम इंडिया के मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 45 गेंदों में 52 रनों की पारी खेली। श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया की जीत में तो अहम योगदान दिया ही और साथ ही श्रेयस अय्यर की ऐसी फॉर्म ने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की भी टेंशन कम कर दी है। आपको बता दें श्रेयस अय्यर टेस्ट सीरीज में भी खेलते हुए नजर आएंगे और उनका फॉर्म में होना टीम इंडिया के लिए बेहद ही जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच को ऑस्ट्रेलिया टीम ने धमाकेदार तरीके से अपने नाम कर लिया। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला 360 रनों के अंतर से अपने नाम किया और टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। पाकिस्तान की पूरी टीम दूसरी पारी में महज 89 के स्कोर पर सिमट गई। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज दिशान किशन साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि ईशान किशन ने पारिवारिक कारणों की वजह से सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है। ईशान किशन का टीम में ना होना टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से नाम वापस लेने वाले टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की जगह बीसीसीआई ने केएस भरत को टीम इंडिया में शामिल कर लिया है। आपको बता दें कि भरत इस वक्त साउथ अफ्रीका में ही मौजूद है और इंडिया ए की कप्तानी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के फिरकी गेंदबाज नाथन लियॉन ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में गेंदबाजी करते हुए नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दूसरी पारी में 2 विकेट लेने के साथ ही नाथन लियॉन टेस्ट क्रिकेट में 500 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों के क्लब में शामिल हो गए हैं। नाथन लियॉन से पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए कारनामा शेन वॉन और ग्लेन मैकग्रा कर चुके हैं। टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने विराट कोहली को लेकर बड़ा खुलासा किया है। शास्त्री के अनुसार विराट अभी 4 साल और खेल सकते हैं क्योंकि वह पूरी तरह से फिट है और उनके अंदर अभी खेलने की भूख है और साथ ही फैंस उन्हें खेलते हुए देखना चाहते हैं। आपको बता दें वनडे वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में एक्शन में नजर आएंगे।